शुक्राणु तथा पुरुष बीज या स्पर्म्स मजबूत कैसे करें, स्ट्रांग कैसे करें, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरा स्पर्म बहुत वीक है, कमजोर है, धातु पतला है वगैरह वगैरह, ऐसा कंप्लेंट करके लोग आते रहते हैं। स्पर्म जो है शुक्राणु, तो उसका जो नंबर है, आंकड़ा जो है धातु में, वो 20 मिलियन से लेके 120 मिलियन पर ml इतना होना चाहिए, मतलब 2 करोड़ से 12 करोड़ एक ml में। 20 से कम यदि है, 20 मिलियन पर ml से यदि कम है शुक्राणु, तो बच्चा होने में प्रॉब्लम आता है, मतलब जल्दी बच्चा होता नहीं है, वो कारण होता है, मतलब जितने ज्यादा है उतना जल्दी बच्चा होने के चांसेस है। उसके साथ साथ वो मोटिलिटी भी होना जरूरी, मतलब वो जो धातु है वो धातु पतला रहा तो उसमें अच्छा तैर सकते हो, तो धातु एक्चुअली पतला होना चाहिए। वो जो स्पर्म है उसको सिर है, गर्दन है, पूंछ है, तो बराबर होनी चाहिए, मतलब, और वो जीवित होना चाहिए ना, ऑफकोर्स, तो ये सब होना चाहिए, और वो मजबूत होना चाहिए, तैरते आना चाहिए उसको, तो तैरते तैरते जब वो योनि में जाता है, वीर्य जब योनि में पड़ता है तो योनि में वो ऊपर 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 सरकते सरकते हो जाएगा और स्त्री बीज को मिलेगा और वहां से बच्चा पैदा हो। तो इसके लिए फिर वो स्पर्म हेल्दी होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके बारे में मैं आज 8 टिप्स आपको देने वाला हूं। नंबर 1, स्मोकिंग बंद करो। स्मोकिंग का बुरा असर शुक्राणु पर होता है, और स्मोकिंग में टोबैको मतलब तंबाकू है, सिगरेट और बीड़ी पीना या तंबाकू खाना, घुटा खाना, मतलब ये बंद करना चाहिए। नंबर 2, आप फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, और एक्टिव का मतलब ऐसा है कि आप फिजिकली, देखो जो लोग बैठे काम करते हैं, हलचल नहीं करते हैं, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहेंगे, बहुत मोटा वजन है और एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा उनकी, तो उनको प्रॉब्लम आता है, तो फिजिकली आप एक्टिव होना जरूरी है। नंबर 3, आपका डाइट जो है वो बहुत ही बैलेंस होना जरूरी है, मतलब आप जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं, ग्लूकोज कम से कम, फैट कम से कम, ज़्यादा प्रोटीन आप खाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो स्पर्म्स के लिए अच्छा होता है। नंबर 4, शराब नहीं पीना, अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके स्पर्म्स वीक रहते हैं, तो अल्कोहल का कम से कम पीना या बंद करना, मतलब लेना ही नहीं, वो जरूरी है। नंबर 5, जो नशे वाली दवाइयाँ हैं उसमें गांजा, अफीम, चरस, फिर स्टीरोइड्स, तो ये अवॉइड करना चाहिए, या बाकी भी आप दवाई जो लेते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, तो उसमें से कुछ दवाइयाँ स्पर्म्स के ऊपर बुरा असर करती है। नंबर 6, आपका वजन जो है वो कम होना चाहिए। जो मोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोटापन है, पेट बहुत फुला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी सिंड्रोम है, लदलद फैट है सब तरह, तो उनके स्पर्म्स बहुत वीक होते हैं। नंबर 7, आपको बीमारियाँ जो है, अंडरलाइन डिसीज, कोई फिजिकल इलनेस है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए, जैसा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जॉइंट पेन्स है, कोई भी बीमारी हो तो वो कंट्रोल में होना जरूरी है, और वो कंट्रोल में रहे तो स्पर्म्स अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। नंबर 8, आपके फूड में, मतलब फूड सप्लीमेंट्स होना जरूरी है खाने में, और फूड सप्लीमेंट्स में जिसमें ज़्यादा एल आर्जिनिन है, सेलिनियम है, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ये होना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यदि आप ज़्यादा लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो उसमें, और वो फिश में ज़्यादा होते हैं, कॉड लिवर ऑयल फिश में ज़्यादा है, या फिर उसकी टैबलेट्स भी मिलती है, तो वो आप लेते हैं तो स्पर्म्स बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये 8 अलग अलग टिप्स है कि जो जिसका आप पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्पर्म्स हेल्दी रहेंगे। स्पर्म हेल्दी, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना वीर्य, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना, थिन रहा तभी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा थिक रहा तभी प्रॉब्लम, तो वीर्य जो है वो मीडियम होना जरूरी है, लिक्विड, मीडियम लिक्विड। तो ये रहा स्पर्म का मजबूत करने का फॉर्मूला। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।